पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार ने बताया कि जिले के विभिन्न थाना अंतर्गत रहने वाले नागरिकों ने अपने मोबाइल फोन कहीं गुम हो जाने संबंधी आवेदन प्रस्तुत किए थे, जिस पर अति पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र सिंह तोमर की मॉनिटरिंग एवं DSP मुख्यालय के नेतृत्व में साइबर सेल टीम को गुम हुए मोबाइल खोजने के निर्देश दिए गए थे। साइबर सेल टीम द्वारा विभिन्न जिलों व थाना क्षेत्रों से 40 मोबाइल कीमत करीबन 5 लाख रुपये बरामद करने में सफलता प्राप्त की, जिसमें आवेदक बलवंत राजपूत ने श्योपुर, सबीर हुसैन श्योपुर, अमित तिवारी कराहल, दीपक राठौर श्योपुर, खलील अहमद निवासी श्योपुर, वखार हुसैन श्योपुर, श्याम सुंदर शर्मा विजयपुर, अभिषेक प्रजापति श्योपुर, कुंज बिहारी राठौर श्योपुर, सबीर हुसैन श्योपुर, खालिद अहमद निवासी पांडोला बड़ौदा, वीर सिंह पिप्पल पटवारी निवासी श्योपुर, शाहरुख खान निवासी वर्धा, माखन धाकड़ निवासी श्योपुर, दीपक चौरसिया निवासी श्योपुर, कृष्ण कुमार यादव निवासी श्योपुर, हरिओम सुमन निवासी गुलाबवाड़ी श्योपुर, महेंद्र सिकरवार निवासी कराहल, नसीब खान निवासी श्योपुर व अन्य आवेदकों को उनके खोए हुए मोबाइल फ़ोन सुपुर्द किए गए। सराहनीय भूमिका गुम मोबाइलों को ढूंढने साइबर सेल टीम प्रभारी अर्चना धाकड़, राजवल्लभ, विनोद सोलंकी, प्रियल पाठक, सोनी तोमर की अहम भूमिका रही। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। जनवरी महीने में हम लोगों ने लगभग 35 व्यक्तियों के जो गुमे हुए मोबाइल थे वापस किए थे, और जनवरी फरवरी उसके बाद से ये मार्च में 3 महीने में करीब 40 मोबाइल अभी तक बरामद हुए हैं, और ऐसे 40 व्यक्तियों को खोज कर अभी हम लोग ये मोबाइल प्रदान कर रहे हैं। ये आपके सामने स्थानीय शिवपुर शहर के 10-12 लोग थे, उनको अभी मोबाइल गुम गए थे वो दिए गए, और कुछ अभी और हमारे ऑब्जर्वेशन में हैं मोबाइल को और हम लोग ढूंढेंगे और उनको वापस करेंगे।